मेंटली मैं इससे कहीं से सपोर्ट ले लूंगा, यहाँ से दो और दो चार गुट चार पे लगेगा चार। बीच में से मूड है कुछ, बीच में जरूरत पड़ेगी। फ्लाइट है ये कितना है, चार बोल्ट आई थिंक प्रॉपर अगर माउंट आ जाए। हाँ हैवी नहीं है यार, यहाँ पे ब्रेक डाल सेम वही कलर का है, इसमें एक लाइट होगा एलईडी बार होगा इसमें। हाँ ठीक 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 ठीक, इसको बस उतारना आसान बनाना पड़ेगा और तो ठीक है। फिटिंग भी देख लेते कैसे लेंगे। ये पीछे देयर इज अ चैनल फिटिंग में रखा हुआ है, फिटिंग पे पैग्स क्यों हैं ये, पैग पैग्स चाहिए ना। हाँ वो डंडी उसकी टांगों के वहाँ बांधने पड़ेंगे, नहीं उड़ जाएगी वो। तीन सपोर्ट ले रहा हूँ फिर पर तर में टेंट आएगा तो इसके ऊपर तो नहीं चढ़ेगा हल्का सा कुछ। अगर टेंट आएगा तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं 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 टेंट बिल्कुल इतना ही है जितना ये रैक है, बिल्कुल रैक पे फिट है टेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि अपना ये तो कभी खुलेगा नहीं, तो इसके अंदर जो भी बनाओ वो रिमूवेबल बनाना। नहीं तो यहाँ पे तो दे दें और इधर बाद में। तो भाई काम चालू हो गया, जो अभी आप देख रहे थे वो है हमारी ऑनिंग। अब चक्कर क्या है कि लद्दाख में तो ऑनिंग बिना काम चल जाता है, पर जो अपनी राजस्थान वाली तरफ है गुजरात वाली तरफ है वहाँ पे ऑनिंग के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि धूप बहुत होती है सारे दिन। और फिर लाइक हमारा होटल तो हमारी गाड़ी है तो ये रिस्क लिया नहीं जा सकता। अब ज़रूरत थी इस चीज़ की, क्योंकि दिन में अगर आपको नीचे बैठ के कुछ काम करना है तो यू नीड शेड, क्योंकि राजस्थान में अभी भी टेम्परेचर्स कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है। सो जो लोएस्ट हम इनकाउंटर करेंगे वो करेंगे अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस किसी किसी दिन रात को, और दिन में तो 20s में 17, 20, 25। तो और धूप और पड़ रही होगी, तो पिछली ट्रिप पे मैं लद्दाख में बिल्कुल जल के आया था, तो इस बार थोड़ी कोशिश की जाएगी कि थोड़ा बचा जाए। जैसा मुझे लग रहा है कि ये भी बड़ा लाइक स्लीक आ रहा था, रैक से सिर्फ लाइट के ऊपर तक ही ये आ जाएगा ऑनिंग डन। सो इट्स गोना बी अ 2x2 मीटर ऑनिंग, और अपने को एक जगह जहाँ पर बारिश आ रही हो या फिर लाइक कोई धूप आ रही हो तो आप उसमें सेफ रह सकते हो, तो इसको ऑनिंग बोलते हैं। तो हम लोगों ने एग्जिस्टिंग स्क्रू होल पे काम चला लिया ना, तो हम कितने कितने बोल्ट पे कनेक्ट कर रहे हैं इसको, चार पे जितने। हाँ लाइनेक्स करा लो फिर बाद में इधर पार्किंग में ले जाके एक बार फिर ऑनिंग खोल के देख लेंगे उस टाइम। तो इसके साथ में जब टेंट लगेगा जब ये ऐसे अलग से उठा हुआ नहीं दिखाई देगा, और जब हम वैसे ना टेंट अगर हम परमानेंट रख लें तो हम दोनों तरफ भी ऑनिंग लगा सकते हैं एक एक इस तरह की, तो सिमेट्री भी बन सकती है अगर हम चाहें तो। तो अब इन्होंने कस्टम माउंट बनाए, जो इसके साथ में माउंट आ रहे थे मतलब जो ऑनिंग के साथ में आए थे वो लाइक हमारे सेटअप के हिसाब से परफेक्ट नहीं बैठ रहे थे, तो अब हम लोगों ने कस्टम माउंट बनाया इसके लिए। और अब ये कुछ इस तरह से और बिल्कुल लाइन में, मतलब लाइक जो हमारा ये पीछे जैरिकन होल्डर है बल्कि उसकी लाइन में ही आ रहा है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ यही फ़ायदा है मतलब लाइक इस तरह की चीज़ों का, क्योंकि ये ऑलरेडी तरीके से बनाई जाती हैं हल्की और लाइट वेट और सब कुछ। हाँ उतार दो उतार दो। तो अब ये लाइनिंग्स होने जाएगी, कुछ भी मैं ऐसा नहीं छोड़ रहा हूँ जिसमें जंग लग सके। तो जो ये स्ट्रिप्स हैं ये वाली, इनके ऊपर भी हम लोग अब लाइनेक्स करेंगे जो माउंट बनाए हैं इस तरह का। सो ये मटेरियल होने के बाद में फिर रस्ट का चांस ख़त्म हो जाता है, तो रस्ट तो लाइक जो भी चीज़ है जो रस्ट हो सकती है मैं उसको पहले लाइनेक्स करा देता हूँ इसे। यार जब हम इसको उतारेंगे प्लेट को तब इसको बंद कैसे करा करेंगे, किस चीज़ से? रॉक को। हाँ ये जो पेंच है क्योंकि ये इस पे ये भी लगा हुआ है ना, तो वापसी वही नट टाइट कर दो, यही वाला यही नट टाइट कर दो वापसी। स्टील के है ये ना, ठीक।
भाई कस्टम माउंट बनाया हम लोगों ने, लाइनेक्स करा दिया है, इसके लिए है। अब इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ऑनिंग की, फिर इसको खोल के देखेंगे एक बार। ओवरऑल मतलब मेरे को लग रहा है काफ़ी ऐसा सोबर साइज सिस्टम बनेगा, नॉट वेरी फ्लैशी, जो कि अपने को चाहिए ही नहीं किसी भी तरह। तो एक बार लग जाए फिर टेंट लगने के बाद इतना ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगेगा ये, क्योंकि लाइक ये थोड़ा सा भी एक तरफ को खड़ा हुआ सा दिखाई देगा। तो देखते हैं अगर कनेक्ट हो जाए फिर देखते हैं क्या रहता है। तो इस तरह से दिखाई देगी ये, वैसे तो बिल्कुल लाइन में ही है, क्लैडिंग के अंदर है, लगभग जो अपनी लाइट है उसकी रेंज में है, जो अपनी साइड लाइट्स हैं, वर्क लाइट्स हैं। तो ओवरऑल वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। एंड पीछे देखें तो सॉर्ट ऑफ लाइक बॉडी लाइन में है, उसके साथ में आगे ए पिलर के पीछे है थोड़ा सा। तो रूफ थोड़ी सी स्लैंट है तो आगे कुछ इस तरह दिखेगा, बट अभी ऑकवर्ड लग रहा है। जब टेंट लग जाएगा उस टाइम पे फिर ये लाइक उससे नीचे रहेगी। चलो भाई अब टेस्ट करते हैं ज़रा। हाँ ये घूम घूम के आएगी, अरे क्या इसी के अंदर होंगे टांगे। यहाँ तो भाई ये लग गई अपनी ऑनिंग, दिस इज 2x2 meters, तो जितनी लंबी है उतनी चौड़ी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बट अपने पास एक जगह है जहाँ पे हम लोग लाइक रेस्ट कर सकते हैं इन केस धूप निकली हुई उस टाइम पे। ये जो वेलक्रोज हैं ये इसके ऊपर जाएंगी इस तरह से। अब इसको बंद करके दिखाओ अकेले, कितनी देर में करते हो जल्दी से, वेलक्रो खोलो पहले। लड़का भाई सीरियस हो गया। पहले बड़े वाले, हाँ ये वाले निकालो, छोड़ दो ना इसको, इनके एंगल देखो ऐसे रख दोगे ना फिर एक गिरेंगे नहीं। हाँ निकाल दिए दोनों, बस आप लड़के से कह रहे हैं सिंगल हैंडेडली कितना जल्दी बंद कर सकते हो, करो। अच्छा इसी के अंदर ही लगा। हाँ ऐसा, वो डंडियाँ दो उधर चली जाती हैं, इधर निकलने वाली और दो इसके अंदर, और ऐसे फोल्ड होके अंदर। अच्छी खासी बड़ी है। हाँ 2x2 है, नहीं 2.2 है शायद। 2.2 है मुझे वो कह रहा था, 2.2 बोला इसे। ओके वेलक्रोज है, पहले वेलक्रो लगाओ, नीचे से जाता है बस हो गया। करो जिप लगाओ, चेन लगा दो, ये क्यों नहीं तार भी अंदर करनी है, ये तार का क्या करेंगे लेटर ऑन। ये तरन भाई इस पे ना कोई लाइक एक एक्सटेंडर ले लेंगे, बट ये मेरे ख्याल से वो होगा यूएसबी से चलेगा, यूएसबी से ना, तो ये 12 वोल्ट से ना कोई केबल ले लेंगे जिसमें फीमेल यूएसबी होगी, बाहर निकाल के उसमें कनेक्ट कर दिया करेंगे, चल जाएगा जब है तो यूज हो जाएगा इसमें। बस पावर बैकअप से भी हो सकता है। हाँ पावर बैकअप से यूज कर सकते हैं। एक खतरा जो है अभी बस वो ये है कि जब अपना टेंट लगेगा तो क्या पेंच अड़ेंगे उसमें कि नहीं अड़ेंगे, ट्राई कर लेंगे ना देख के जब लगेंगे। जब अभी तो अभी आपका ये ट्रिप है, कल जब मैं लगाऊंगा ना फिर क्या करेंगे, अगर ज्यादा दिक्कत करेगा ना इसको खींच के थोड़ा सा टेंट लगाना है ना अभी। हाँ। अगर 1% होगा फिर अशोक क्या तरीका है, इसको थोड़ा पत्ती को ढकेल देंगे बाहर की तरफ, पत्ती को जो फिटिंग है आ जाएगा।
अब मैं वापस निकल रहा हूँ यार, बुलडोजर में ऑनिंग लग गई है अभी के लिए, तो ऐसा लग रहा है टेंट नहीं लगा हुआ है तो पता नहीं क्या एंटीना सा लगा रखा है पर बहुत काम की चीज़ है। जिस तरह से मैं लाइक लद्दाख में जला था और पूरा काला हो गया था, लाइक पूरा सनबर्न हो गया था, तो वो अब की बार यार नहीं होने देना चाहिए था। तो ऑनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अब तक मैं अवॉइड कर रहा था कि यार फालतू में खर्चा होगा, बट आखिरी हो ही गया आखिरकार। पर क्या करें यार, जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है, क्या ही कर सकते हैं। तो अब मैं वापस निकल रहा हूँ और फिर कल मुझे टेंट इंस्टॉल करना है। अगर जो माउंट्स बनाए हैं उनकी वजह से टेंट इंस्टॉलेशन में कोई इशू आएगा तो फिर उसको करेक्ट भी कराना है। तो मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि लाइक बहुत हिट एंड ट्रायल होता है यार, लाइक इट्स नॉट दैट ईजी और बड़े ही लफड़े चलते रहते हैं। कुछ रह गया क्योंकि कस्टम काम है यार, अब इन्होंने लाइक मैंने इनको कुछ बनाने के लिए बोला, फिर इन्होंने बनाया, फिर छोटे मोटे कोई इशू रह गए, फिर रेक्टिफाई भी कराना पड़ेगा क्योंकि यू नो यार R&D तो R&D होती है, तो हम R&D कर रहे हैं अपने लेवल पे, तो हमें ही R&D भुगतनी पड़ेगी ना। तो ये है कहानी। उसके अलावा मैंने एक चीज़ और बनाई है, जब मैं कल टेंट लगाऊंगा तो फिर उस टाइम पे उस चीज़ को भी इंस्टॉल करूंगा, तो वो भी यहाँ से एक कस्टम बनी है भीमरा से। तो जी दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू आई मीन लाइक स्पेंड आवर डे टुमारो। कल गाड़ी को तैयार करना है, शाम को अपना खाने पीने की शॉपिंग करनी है, और उसके बाद में फिर हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि संडे को रुकना है कि संडे को ही निकलना है, या फिर लाइक एक आध दिन और रुकना है, घर पे कोई काम है, ऑफिस के कोई काम है तो उनको निपटाना है, मतलब जैसा भी है। लाइक जब जाएंगे तो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि कोई चीज़ डिस्टर्ब ना हो पीछे से, या फिर आपको वहाँ जाने के बाद कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करें। तो अब मैं निकल रहा हूँ वापस दोस्तों। तो मैं अभी ऑनिंग को ऐसे नहीं बोल सकता कैसी लगी ऑनिंग, क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे ऑकवर्ड लग रही है तो इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग DCB। बाय बाय।